लंदन में एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के सामने ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुजाहरा। इमरान खान के हक में नारेबाजी। मुजाहरीन का कहना है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो लंदन में शरीफ फैमिली का जीना हराम कर देंगे। हम आए भी है, इससे इन्होंने इलीगल अरेस्ट वारंट इमरान खान के लिए इशू किया हुआ है। मैं सिंपल चीज कहता हूँ, सब इधर सिंपल चीज कहते हैं कि हम इमरान खान के ऊपर उंगली तक नहीं पहुँचने देंगे। आप लोग सब पता है, हम इमरान खान को गिरफ्तार होने देंगे, जीना हराम करेंगे, हम इमरान खान के ऊपर उंगली तक पहुँचने देंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। को चेयरमैन बोल, शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक, वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जेक केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम निहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।